आज टेंगरा विश्वकर्मा समाज द्वारा लाइगेज रूम का उद्घाटन समापन हुआ है। जैसे कि हम लोग ये छठा साल मेरा है, जैसे सेवा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही सेवा होगा। और व्यवस्था क्या व्यवस्था, जैसे कि हम लोग जो यात्री जैसे आते हैं कोई सा दिक्कत, लॉकर का व्यवस्था सब समय ही रहता है जो यात्री आते हैं। मकर संक्रांति उपलक्षे दक्षिण चब्बीश परगना गंगा सागरे पुण्यतिथि स्नान करे कपिल मुनिर मंदिरे पुजो दिते भारत थेके एवं भारतेर बाइरे थेकेओ असंख्य अगणित पुण्यार्थी आसे। दूर दूरान्त थेके पुण्यार्थीरा दक्षिण चब्बीश परगना गंगा सागरे जाबार आगे बाबूघाटेर निकटे आउटराम घाटे ट्रांजिट कैम्पे सरकारी व्यवस्थापनाय सामयिक विश्रामेर व्यवस्था आछे। पश्चिमबंग सरकारेर पाशापाशी अनेक समाजसेवी संगठन आछे जारा आगत पुण्यार्थीदेर नाना भावे साहाज्य करे। कखनो कोनो समाजसेवी संगठन तादेर थाकार व्यवस्था करे, कोनो संगठन तादेर सारा दिने खावा दावार व्यवस्था करे। तेमनि एकटि खुबी जनप्रिय एवं उल्लेखयोग्य संस्था हलो ट्यांगरा विश्वकर्मा समाज। तारा आगत पुण्यार्थीदेर जन्य लागेज रखार व्यवस्था करे। दूर दूरान्त थेके पुण्यार्थीरा आसे, तार फले मालपत्रेर बहर एकटु बेशी हय়। তাছাড়া এই শীতের মধ্যে শীতের পোশাক নিয়ে তাদের আসতে হয়, তার ফলে মালপত্রের পরিমাণ একটু বেশি হয়। সারা ভারতের অনেক তীর্থস্থান ঘুরে এখানে আসে বা আবার এখান থেকে অনেক তীর্থস্থানে ঘুরতে যায়, তার ফলে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকার জন্য মালপত্রের বহরও একটু বেশি হয়। সব মাল নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেওয়া খুবই অসুবিধা। অতিরিক্ত মালপত্র ট্যাংরা বিশ্বকর্মা সমাজের ক্লক রুমে রেখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিতে অনায়াসে যেতে পারে। ভিড়ের মধ্যে মালপত্র নিয়ে যেতেও একটু অসুবিধা বেশি, অতিরিক্ত মালপত্র নিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু যাদের মালপত্র বহর একটু বেশি, ট্যাংরা বিশ্বকর্মা সমাজের ক্লক রুমে নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারে, কারণ এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এই ট্রানজিট ক্যাম্প পরিচালিত হয়, তাই এখানে মালপত্র রাখা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, কোনো রকম মিস হওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। আবার ফিরে যাওয়ার সময় তারা এখান থেকে নিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারে। এই কাজটি ট্যাংরা বিশ্বকর্মা সমাজ ছ বছর ধরে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতি বছর তারা 7ই জানুয়ারি ক্যাম্পের উদ্বোধন করে এবং শেষ যাত্রীটি তাদের মালপত্র না নেওয়া পর্যন্ত তাদের ক্যাম্প খোলা থাকে। তাছাড়াও ট্যাংরা বিশ্বকর্মা সমাজের স্বেচ্ছাসেবিকরা সারা বছর ধরে সমাজের নানা রকম সাহায্য করে থাকে, যেমন গরিব দুস্থ মেয়েদের বিয়ের সময় আর্থিকভাবে সাহায্য করে, আবার দুস্থ ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য তারা নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। সত্যি একটি খুব সুন্দর সমাজসেবী সংগঠন যা তাদের নানাবিধ কাজের জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। দীপ রায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। চাহুঙ্গা কি আমারে টেংরা বিশ্বকর্মা সমাজ ইতনি বড়ি বিড়া যো উঠা করকে চলনে কা কোশিশ কিয়া হ্যায়, মে তো সমাজ উস সমাজ কো ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ কি অর বড় চড় করকে জিতনা হো हम लोग सेवा दे सकें, हमारा और कामयाबी जो है कि हासिल हो इसके अंदर में। मेरा प्रेरणा तो यही है कि बरसों से जो है कि हमारा मेला ये समारोह चलते हुए आ रहा है, जो कि हमारे महासचिव महोदय इस कार्यभार को जो है कि भली भांति जो है कि चला रहे हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कार्य को हमारे क्षमता से बाहर हो या भीतर हो सबको देखते हुए उन्होंने अपना कार्य को आगे बढ़ा करके लेकर के चलने का कोशिश किए हैं, और आशा करते हैं कि करते ही रहेंगे। और समाज का जो सहयोग मिला है उसके ऊपर जो है मैं क्या कहना चाहूँगा, समाज का सहयोग बहुत बड़ा योगदान है, समाज के चलते आज हम लोग इस मंच पर खड़े हैं। मैं समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ करके जो है कि इनके हिस्सा ले, अपने आप को जो है आगे बढ़ करके कुछ कर दिखाने का क्षमता रखे।
ताकि हम लोग का भी और जो ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बुलंद हो। मैं तो बेशी और क्या कहूँगी, समाज के लेकर के समाज इसके ऊपर सक्रिय हो और हमारे टेंगड़ा विश्वकर्मा समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी आश्वासन देते हैं कि सबसे जितना प्रेम भाव का वातावरण लेकर के इस माहौल को लेकर के चलें ताकि आगे काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। आज टेंगड़ा विश्वकर्मा समाज द्वारा लाई गई जुलूम का उद्घाटन समापन हुआ है। क्या क्या करना चाहिए इस बार क्षेत्र स्तर है, क्या क्या करना? हम लोग का क्लॉक रूम सेवा देने का जो प्रोग्राम हम लोग किए हैं 6 साल हो गया और अच्छी से अच्छी हम लोग सेवा देते हैं। लाइगेज रखते हैं तो एक टोकन के माध्यम से टोकन देते हैं उनको और अपना सामान अमानती घर में रखते हैं जो सुरक्षित रहे, तीर्थयात्री को हल्का हो। पहला स्ट्रीट जो भी तीर्थयात्री आते हैं आउट ऑफ घाट ही आते हैं, पहला स्ट्रीट जो 40% जो से 60% तीर्थयात्री आउट ऑफ घाट का ही कनेक्ट करके ही गंगा सागर मेला जाते हैं, तो उनका जो लाइगेज रहते हैं वो लाइगेज रखने की व्यवस्था हम लोग रखे हैं। CCTV हमारे पास में प्रोवाइडेड है, आपका SP ब्रांच का स्कैनर रहता है, सामान को बम निरोधक से चेक करना, मेरा सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, तो सब देखते हुए हम लोग मेला प्रांगण में काम करते हैं। और ये बारे PHE CMO ऑफिस से ऑर्डर है कि एक और जो गंगा स्नान में तीर्थयात्री लोग स्नान करते हैं वहाँ पर भी एक व्यवस्था किया जाए जो कि तीर्थयात्री का मैंने पिक पॉकेट ना हो, चोरी ना हो, सामान रख के अपना काम करें और चार अपना गंगा स्नान करके फिर उनको सामान दिया जाए, ऐसा व्यवस्था प्रोसेस चल रहा है। PHE के थ्रू भी बात हो रहा है। तो पिक पॉकेट हो जाएगा तो क्या करेगा आप लोग? पिक पॉकेट होने से मेरा संयुक्त समिति का संस्था है, हम लोग उनको तीर्थयात्री का जहाँ तक चित्र करेंगे उनका हम लोग पैसा देते हैं, जाने का टिकट करा देते हैं और उनका लास्ट जहाँ तक उनका घर रहता है उनको वापसी घर तक व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। और सामान रखने में कोई डॉक्यूमेंट रखता है? हाँ, डॉक्यूमेंट रखता है, आधार कार्ड या कोई भी एक प्रमाण पत्र चाहिए। कोई रखने के बाद आप लोग कोई डॉक्यूमेंट देता है? हाँ, हम लोग डॉक्यूमेंट एक टोकन देते हैं, एक टोकन उनके सामान में हम लोग लगाते हैं जो लगेज रहते हैं और एक जो टोकन उनको हम लोग देते हैं कि ये टोकन लेके आइएगा फिर आपको सामान मिलेगा। तो इस बार कितना लोग आदमी रख सकते हैं? आगे साल तो हम लोग मोटा मोटी 2 से 2500 लगेज का टोकन का व्यवस्था मेरा हुआ था, इस हिसाब से एक टोकन में 5-6 लगेज हम लोग रखते हैं, तो 2000 2500 कर दीजिए तो 10000 हम लोग लगेज के यहाँ रखे थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ? हाँ, अधिक हो सकता है, ये बार तो मोटा मोटी रखिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कोविड का कोई भी चांस नहीं है, तो तीर्थयात्री अधिक से अधिक आएंगे तो उनको हम लोग अधिक सेवा दे सकें। आप लोग पीपर है? हाँ, पीपर है। और सब तीर्थयात्री को क्या बोलना चाहते हैं? तीर्थयात्री बोले अच्छा से स्नान करें और सुख भाव से फिर घर अपना वापसी करें। माल का चिंता मत करिए, माल हम लोग के लिए चिंता करने के लिए अपना टेंगड़ा विश्वकर्मा समाज तत्पर है। आपका नाम बोलिए? विनोद शर्मा, टेंगड़ा विश्वकर्मा समाज 22%। धमाका तो मेरा जब से चालू किए कैंप तब से धमाका ही होता है और धमाका ऐसे होते ही रहेगा जब तक हम हैं। और कार्यक्रम का जो है प्रत्येक साल ऐसे ही हो रहा है और आगे भी होगा, बहुत अच्छा सभी का नगर विश्वकर्मा समाज का सभी पदाधिकारी सदस्य लोग का पूरा सहयोग से ही धमाका होता है और ऐसे ही धमाका सदस्य सहयोग करते रहेंगे तो होता ही रहेगा। और इसमें विश्वकर्मा भाइयों हर संस्था के सभी का सहयोग है जो कि इस धमाका चालू है। इस बार क्या क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे आगे, जैसे कि हम लोग ये 6ठा साल मेरा है, जैसे सेवा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही सेवा होगा। और व्यवस्था क्या व्यवस्था, जैसे कि हम लोग जो यात्री जैसे आते हैं कोई से दिक्कत, लॉकर का व्यवस्था सब समय ही रहता है, जो यात्री आते हैं लगेज रख के जाते हैं तो ऐसी सेवा है। इस बार क्या रूल रेगुलेशन है? रेगुलेशन सेम ही है जैसे 5 साल से हो रहा वैसे ही है। क्या क्या करना चाहते हैं? ये दूर दूर से इस बार बहुत मौसम बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर से आएगा, बहुत आदमी आएगा, बहुत माल रख सकते हैं, बहुत दूर से आदमी जैसा, ये तो पहला बार तो नहीं है, ऐसे भीड़ तो हर समय वैसे ही हो रहा है, बराबर तो ऐसे ही हो रहा है, 5 साल तो भीड़ हम एक ही देख रहे हैं। कोरोना में थोड़ा सा कम था, अभी फिर सेम आ गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, जो व्यवस्था जैसे आगे था वैसे आगे भी व्यवस्था इस साल भी है। कितना आदमी का व्यवस्था किया? जैसे कि इसमें लगेज 5000 लगेज का व्यवस्था है बर्थडे का।
5000 आदमी का रखने का व्यवस्था है। हाँ, मतलब 5000 जो है लैगेज आदमी का नहीं, लैगेज। अच्छा, 5000 जो लैगेज रखने की व्यवस्था है पर डे। पर डे, और तो पर डे निकल भी जा रहा है, इन भी हो रहा है, निकल रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है ना, घुस रहा है, निकल जा रहा है। हर रोज टैंगा साहब विश्राम समाज का कितना आदमी लग रहे थे इसमें? लगा रहा था 50 दिन रहता, 50 सदस्य रहता है मेंबर पूरा समाज ही इसमें। हाँ, इन बन साल भर ऐसे ही सेवा करते रहते हैं, साल भर ऐसी सेवा होते रहा था। कभी ये हुआ कि ब्लड डोनेशन कैम्प हुआ, कभी गरीब बच्चे लोग का बुक वुक जरूरत पड़ता आता समाज में तो हम लोग सहयोग करते हैं। कोई गरीब लड़की का शादी उदी है तो उसमें भी आते हैं तो हम लोग सहयोग करते हैं। मतलब गरीब लोग का पूरा सहयोग हम लोग समाज द्वारा होते रहता है, चलते रहते हैं, चलते रहता है। आपका नाम बोले? मेरा नाम है रंजीत शर्मा, टेंगरा विश्व समाज जनरल सचिव। जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी।